Hello my dear friends and welcome to all on my YouTube channel Mahesh Whiteboard Video. And in this video you are going to watch the effect of change. So let's start. एक लड़का अपनी सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक था, इसलिए वह हर रोज़ सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाया करता था। वह आते जाते एक बूढ़ी महिला को देखता था। वहाँ एक बड़ा सा तालाब था और वह महिला उस तालाब में कछुओं की पीठ को साफ करने के लिए आया करती थी। उस लड़की को यह सब देखकर बड़ी आशंका होती थी। उसने एक दिन सोचा कि चलो आज मैं उस महिला को जाकर पूछ ही लेता हूँ कि आप ऐसा क्यों करती है। वह लड़का उस महिला के पास आया और बहुत अदब के साथ बोला, आंटी मैं आपको यहाँ हर रोज़ देखता हूँ, आप इन कछुओं की पीठ को हर रोज़ साफ करने के लिए आती हो। इस पर उस महिला ने उसको हंसकर जवाब दिया कि बेटा मैं इनकी पीठ को साफ करके सुख और शांति का आनंद लेती हूँ। लड़के को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसने विस्तार से समझाने के लिए उस महिला से कहा तो वह महिला बोली, बेटा इनके पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमा होने के कारण इनको गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उन्हें तैरने में भी तकलीफ होती है। अगर कुछ समय में कवच को साफ नहीं किया जाए तो वह कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मैं उसे साफ करती हूँ। पहले तो यह बात सुनकर लड़का थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन बाद में वह बोला, आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इस दुनिया में कितने सारे कछुए होंगे, तो आपके अकेले बदलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। फिर महिला ने जो उस पर जवाब दिया तो वह सुनने लायक था। वह बोली, भले ही मेरे इस कर्म से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की ज़िंदगी में तो बदलाव आएगा ना। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है, और क्या पता मेरा एक छोटा सा बदलाव ही क्रांति लेकर आए। इसलिए किसी भी बदलाव की शुरुआत एक बेसिक से ही होती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई विल कम अप विथ द नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। गुड बाय।